नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री 247 में। आज हम बात करेंगे नाथ पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली राजस्थान का इतिहास प्रश्न बैंक और राजस्थान कला संस्कृति प्रश्न बैंक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम राजस्थान का इतिहास, तो इसके लेखक हैं वो, उनकी लिस्ट यहाँ दी हुई है, बाकी यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी लेखक लिस्ट। यह है इस बुक की अनुक्रमणिका, जिसमें राजस्थान के इतिहास के स्रोत, राजस्थान की सभ्यताएं, राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत, गुर्जर प्रत्यार, इस तरह से कुल 27 टॉपिक दिए हुए हैं। अनुक्रमणिका आप देख सकते हो। राजस्थान के इतिहास के स्रोत सबसे पहले इसका पहला टॉपिक है, और यहाँ क्वेश्चन जो कि RPSC सेकंड ग्रेड ग्रुप बी 2022 में आया हुआ है, और क्वेश्चन की व्याख्या यहाँ पर दी हुई है आंसर के साथ में। तो व्याख्या देना एक अलग ही विशेष बनाता है इस बुक को, क्योंकि व्याख्या देने से कोई भी क्वेश्चन का, अगर कई बार अपन देखते हैं कि ज़्यादातर बुक जो आती है उनमें यहाँ आंसर आपको गलत देखने को मिलते हैं, लेकिन साथ में जब व्याख्या हो तो यहाँ गलती भी हो तो आपको यहाँ व्याख्या में नज़र आ जाती है। यही व्याख्या की खासियत होती है, और आपको अच्छा खासा रिविज़न हो जाता है व्याख्या से, यह भी एक विशेषता है। तो व्याख्या से आपका फायदा ही है। इस प्रकार से ये पहला टॉपिक है जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको 111 क्वेश्चन पहले टॉपिक में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से आपको सभी टॉपिक्स में क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ में आंसर और आंसर के साथ व्याख्या आपको देखने को मिलेंगे। कुल 230 पेज है इस बुक में, और इसकी रेट 150 दी हुई है, और 150 है तो आपको लगभग 130 के आसपास ये बुक मार्केट में मिल जाएगी। ये क्वेश्चन लेखक ने अपनी तरफ से भी बनाए हैं। इसमें राजपूतों में सर्वाधिक वेतन किस घुड़सवार को दिया जाता था, तो ये व्याख्या में आपको पूरा देखने को मिल जाएगा कि सबसे ज़्यादा किसका था। तो आंसर आपका यहाँ सही देखने को मिल जाता है। अगर नहीं भी हो तो आप व्याख्या से देख ही सकते हो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ में व्याख्या देखने को मिलेगी। हर एक टॉपिक में आपको लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये बहुत ही शानदार कार्य किया गया है लेखक द्वारा। नाथ पब्लिकेशन की बेहतरीन कृतियों में से एक है ये, और भी जो इनकी कृतियाँ आती है उनका भी यहाँ पर डिटेल दी हुई है। इनकी एक और बुक आती है, वो राजस्थान का सार संग्रह, राजस्थान अध्ययन सार संग्रह, उसमें भी इसी तरह से क्वेश्चन दिए हुए हैं, हालांकि वो थोड़ी शॉर्ट में है बुक। तो उसमें इतिहास, कला संस्कृति, राजव्यवस्था, भूगोल सब आ जाते हैं, तो क्वेश्चन थोड़े कम हैं, हालांकि इसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप स्कूल लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही उपयोगी पुस्तक है आपके लिए, और अन्य परीक्षाओं की भी कर रहे हैं तो भी शानदार। RS जैसे एग्ज़ाम में भी ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरी बुक की बात करें हम, कला संस्कृति वाली, तो ये इस बुक की अनुक्रमणिका है, जिसमें कुल 20 टॉपिक देखने को मिलेंगे। राजस्थान के दुर्ग, मंदिर, मस्जिद, प्राचीन हवेलियाँ, बावड़ियाँ, तालाब, छतरियाँ, महल, चित्रकला, लोक देवता, लोक देविया, संत संप्रदाय, प्रमुख मेले, त्यौहार, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक वाद्य यंत्र, संस्कार, रीति रिवाज, प्रथाएँ, क्षेत्रीय बोलियाँ, राजस्थानी साहित्य, वेशभूषा, आभूषण, हस्तकलाएँ और जनजातियाँ। कुल 198 पेज में आपको ये बुक देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्वेश्चन जो विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं वो भी दिए हुए हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर के साथ में उसकी व्याख्या दी हुई है, जो मैंने आपको बता दिया व्याख्या के फ़ायदे। बाकी लेखक ने अपनी तरफ से भी क्वेश्चन ऐड किए हैं, वो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि जो विगत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि उससे आपको क्वेश्चन का लेवल भी पता चल जाता है कि किस लेवल तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस हिसाब से आपको एक बार की इस तरह की पुस्तकों को पढ़ लेना चाहिए, जिससे आप जब कोई भी बुक पढ़ो तो आपके लिए ये सहूलियत रहेगी भाई क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, वो आपको आसानी से समझ में आ सके। बाकी रिवीजन में बहुत कारगर सिद्ध होती है ये बुकें, क्योंकि यहाँ व्याख्या दी होती है,
तो आपके क्वेश्चन का आंसर भी आप देख सकते हैं, उसके साथ में वैक्य आने से आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है। इस प्रकार से ये संत पीपा जी वगैरह इसमें दिए हुए हैं। तो पूरा राजस्थान इतिहास कला संस्कृति इन दो बुकों में समेटने की कोशिश की गई है। इस बुक का नया एडिशन आ चुका है, हालांकि मेरे पास पुराना एडिशन ही पड़ा था, नया लाना मैंने उचित नहीं समझा, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन ऐड हुए होते हैं जो विगत परीक्षाओं में हाल ही में जो 2022-23 में आयोजित हुई थी उनके क्वेश्चन ऐड किए होंगे। और उस इस बुक की भी रेट आपको दिख रही है 150 दी हुई है। तो हालांकि इसका नया एडिशन आ गया है तो नए एडिशन की रेट 170 है, और उसके पेज भी मुझे पूरी उम्मीद है कि 198 से 200 से प्लस हो ही गए होंगे। तो ये दोनों बुकें थी नाथ पब्लिकेशन की, अपन ने रिव्यू किया। और भी इस बुक के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर लेना, वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर लेना, और भी ऐसे कोई वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपकी मर्ज़ी। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।